बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टू स्टार्ट चैप्टर 10 जनरल साइंस 10th क्लास। दिस चैप्टर इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी शैल डिस्कस हियर। बेटे ये बताया गया है कि जब पाकिस्तान बना तो स्टार्ट में इन द स्टार्ट के जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल थे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसे थी हमारी डेली यूजेज की जो कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी अदर कंट्रीज से, दूसरे ममालिक से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में वी वर लैगिंग, हम काफी पीछे थे। इस कदर हम साइंस और टेक्नोलॉजी में लैग कर रहे थे, इवन बाइसाइकिल हो या फैन वगैरह जो है तो ये भी हमारे मुल्क में नहीं मैन्युफैक्चर होता था, नहीं बनाया जाता था। लेकिन अगर हम आज देखें तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मोटरसाइकिल्स हों, कार्स हों, ट्रैक्टर्स हों, इवन के शिप्स जो हैं ये पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। इट इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर प्रोग्रेस नहीं होती तो कोई भी कंट्री अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको स्टेबल नहीं रख सकता। किसी भी मुल्क की जो आज़ादी है, रियल इंडिपेंडेंस है, वो स्टेबल नहीं रह सकती अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में वो प्रोग्रेस नहीं करता। पता है कि इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर इट्स नेसेसिटीज। क्या मतलब कि वो मुल्क अपनी जरूरियात के लिए दूसरों पे ही डिपेंड करता रहेगा। अगर उसने साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ तवज्जो ना दी, इस फील्ड में प्रोग्रेस ना हुई, तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वो इंडिपेंडेंटली अपनी जरूरत की चीजें जो हैं वो पूरी नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करता रहता है। आगे कुछ टेक्नोलॉजीज का बताया गया है कि मेडिकल सेक्टर में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं जो हमने हासिल की हैं। डायग्नोसिस को देखें, डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस को, तशखीस बीमारियों की तशखीस करना, ये मालूम करना कौन सी डिजीज है। अल्ट्रासाउंड को देखें, सीटी स्कैन है, ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सारी चीजें हमने आगे डिस्कस करनी है। और मॉडर्न वेज ऑफ जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सर्जरी यानी ऑपरेशन के जदीद तरीके, एंजियोग्राफी है और एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी बेटे होता है ब्लड वेसल्स की ये स्टडी होती है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं या नैरो हैं। और जो एंजियोप्लास्टी है ये इनकी ट्रीटमेंट होती है कि ब्लॉक्ड वेसल्स हैं तो उनको अनब्लॉक करना, अगर नैरोड वेसल्स हैं तो उनको वाइडन करना। सो टू वाइडन नैरोड वेसल्स और टू अनब्लॉक ब्लॉक्ड वेसल्स, ये एंजियोग्राफी है। जबकि टू फाइंड The vessels which are blocked or which are narrowed, ये जो diagnosis है ये angiography कहलाती है। तो बताया कि ये चीजें अब कॉमन है। लेजर ट्रीटमेंट में भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई है, जबकि रेडियोथेरापी को देखें ये भी प्रोसेस जो है वो
यूज हो रहा है, रेडियोथेरापी होता है रेडिएशन के जरिए ट्रीटमेंट, जैसे कैंसर है, कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन का यूज हो रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बताया, ये भी बड़ी वाजह है, जाहिर है। पास में कल्टिवेशन जो है ये ब्लोज के जरिए यानी हल चला कर की जाती थी, किसान खेतों में बैलों के जरिए हल चलाते थे, लेकिन आजकल जो है ये कल्टिवेशन ट्रैक्टर्स के जरिए हो रही है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और एफर्ट्स जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर की जा रही हैं अप्रिशिएबल है। किस सिलसिले में? गुड सीड्स प्रोडक्शन, अच्छे सीड्स जो है वो पैदा करना और किसानों को प्रोवाइड करना, इस पर्पस के लिए, फॉर गुड प्रोडक्शन, अच्छी पैदावार के लिए। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं दे आर लिंक्ड विद दिस डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसके साथ यूनिवर्सिटीज लिंक्ड हैं, जो कि रिसर्च करके अच्छी अच्छी क्वालिटीज के सीड्स प्रोड्यूस करती हैं, जो डिजीज रेजिस्टेंट भी होते हैं और गुड यील्ड प्रोड्यूसिंग भी होते हैं। यानी ऐसे बीज होते हैं कि जिनसे एक तो पैदावार अच्छी होती है और दूसरा ये कि जो फसलें हैं बीमारियों से भी बची रहती हैं, उनमें रेजिस्टेंस होती है बीमारियों के लिए। इसके बाद बताया कि इंडस्ट्रीज को अगर हम देखते हैं उसमें भी बड़ी वाजे प्रोग्रेस हुई है। इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री हो, सीमेंट की इंडस्ट्री है, ग्लास की है, सिरेमिक्स है। सिरेमिक्स में कहते हैं क्ले का यूज, पॉटरी में बर्तन साजी में क्ले का यूज है, मट्टी के बर्तन वगैरह बनाना। सपोर्ट्स आइटम्स हैं, सर्जरी टूल्स हैं, हैंडमेड कारपेट्स हैं, हाथ से बने हुए कालीन जो कि पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, दे आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में जो है वो पसंद किए जाते हैं। इसके बाद यूज है ऑप्टिकल फाइबर का, इससे कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इम्प्रूव हुआ है। हमारा शुमार डेवलप्ड कंट्रीज में ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से हो रहा है। इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में देखें तो हैवी मशीनरी के साथ साथ जो है कॉटेज इंडस्ट्री भी एग्जाम्पलरी कहा गया। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? घरों में चीजों की प्रोडक्शन छोटे लेवल पे, एक होता है कमर्शियल लेवल पे चीज को बनाना, तो इंडस्ट्रीज में आ जाएगा लार्जर इंडस्ट्रीज, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री के घरों में चीजों की प्रोडक्शन जो है एग्जाम्पलरी, ये मिसाली प्रोडक्शन है। आफ्टर अचीविंग एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम की एनरिचमेंट करके, एनरिचमेंट क्या होता है? यूरेनियम को कंसंट्रेट करना, यूरेनियम के जो सोर्सेस हैं उनमें यूरेनियम को कंसंट्रेट करके पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, और इन न्यूक्लियर टेस्ट करने से ये वर्ल्ड को प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान अपना डिफेंस करने की पूरी एबिलिटी रखता है। पाकिस्तान कैन डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज, अगेंस्ट हिज एनिमीज, अगेंस्ट हिज अपोनेंट्स, इट हैज पोटेंशियल फॉर दिस। बताया कि पाकिस्तान जो है ये किसी भी मुखालिफ मुल्क से पीछे नहीं है, किस सिलसिले में? लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करने में, टैंक्स बनाने में और शिप्स बनाने में, ऐसी चीजों के प्रोडक्शन में पाकिस्तान किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। लेजर्स, लेजर बेटे एब्रीवेशन है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना, यह है लाइट एम्पलीफिकेशन। और कैसे बढ़ाई जाती है लाइट की इंटेंसिटी? बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन को स्टिमुलेट करके, यू कैन से एमिशन ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज करके। अब ये कैसे स्टिमुलेट किया जाता है?
एमिशन ऑफ रेडिएशन को, इसका प्रोसेस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो मटेरियल इस्तेमाल होता है लेजर प्रोडक्शन में उसको एक्टिवेट किया जाता है, उसके एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करके एक्टिवेट किया जाता है, उसके जो एटम्स हैं वो हाई एनर्जी स्टेट्स में चले जाते हैं, उसके बाद जब वो लो एनर्जी स्टेट में आते हैं तो एनर्जी को अब्सॉर्ब एनर्जी को एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब वो जो रेडिएशन पैदा होती हैं तो बेटे इसमें दो मिरर यूज होते हैं, प्लेन मिरर यूज होते हैं। आपको डायग्राम से भी थोड़ा सा बता दूं, ये देखिए ये एंड्स पे एक साइड पे भी मिरर होता है, दूसरी साइड पे भी मिरर होता है। अब जो रेडिएशन पैदा होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होकर जो मजीद बाकी एटम्स होते हैं वो उनको एक्टिवेट कर देते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट्स में चले जाते हैं, फिर वो जब लो एनर्जी स्टेट में आते हैं तो वो भी एनर्जी को एमिट करते हैं रेडिएशन के फॉर्म में। इस तरह से रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो लेजर बीम, ये देखिए इधर से शो किया, ये लेजर बीम जो है वो इमर्ज हो रही है जिसको हमने यूज करना है, और इसके बाहर अगर आप देखें तो ये उन्होंने एक पावरफुल फ्लैश कॉयल जो है वो यूज की हुई है। ये जो फ्लैश कॉयल इसके बाहर लपेटी हुई है, इसी ने पावरफुल जो है वो फ्लैश ये सेंड करनी होती है इनके एटम्स को, जो भी यहाँ पे हम मटेरियल यूज करते हैं लेजर प्रोडक्शन के लिए, रूबी वगैरह ज्यादा यूज होता है, तो उसके एटम्स को एक्टिवेट करने के लिए ये हाई फ्लैश जो है पावरफुल फ्लैश ऑफ लाइट ये थ्रो करती है ये जो कॉयल है बार, और उससे वो एटम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट्स में चले जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी स्टेट में आते हैं तो एनर्जी को एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो फिर जैसा मैंने बताया कि जो मिरर्स इसमें प्लेन मिरर यूज होते हैं तो वो उन रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, और रिफ्लेक्ट होने वाली रेडिएशन और एटम्स को एक्टिवेट कर देती हैं, इसलिए इसको कहा गया स्टिमुलेटेड एमिशन। ये एटम्स को स्टिमुलेट करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को एमिट करें, एक्टिवेट होकर उनके इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन को एमिट करें। तो इसलिए इसके नाम से भी जाहिर है कि इसका क्या काम हो सकता है, लाइट एम्पलीफिकेशन, इंक्रीज इंटेंसिटी वाली लाइट है जो कि कैसे प्रोड्यूस हुई है, बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन को बार बार एमिट करके, ज्यादा से ज्यादा एमिट करके। बताया कि लेजर जो है इंटेंस बीम ऑफ लाइट है, इंटेंस बीम ऑफ लाइट मीन हाई इंटेंसिटी की लाइट है, बहुत तेज लाइट होती है जिसमें जितनी भी वेव्स होती हैं वो सारी एक ही वेवलेंथ की होती हैं, यानी एक ही आप समझ सकते हैं कि कलर एक ही होता है उनका, इसलिए सबकी वेवलेंथ सेम होती है, और ऑल जो है दे आर इन फेज, उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल करते हैं, यानी पैरेलल होती हैं दूसरे के। ऐसी जो लाइट बीम है इसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, मोनो मीन वन, क्रोमा कलर को कहते हैं, तो मोनोक्रोमेटिक मीन एक ही कलर वाली। पता है कि लेजर बीम ट्रेवल करती है इन वन डायरेक्शन, कहा था ना कि इन फेज है, इसमें जितनी रेज हैं वो सारी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट है तो बेटे ये स्प्रेड होती है, आम जो लाइट है ये स्प्रेड होती है, हर तरफ स्प्रेड हो जाती है। तो ऑर्डिनरी लाइट जो है वो लार्ज डिस्टेंट एरिया कवर करती है, जबकि लेजर जो है वो स्प्रेड नहीं होती, लेजर लाइट स्प्रेड नहीं होती, और इस करेक्टरिस्टिक के बेस पे जो लेजर है इसकी इस करेक्टरिस्टिक के बेस पे डिफरेंट जो फिगर्स हैं दे कैन बी डिस्प्लेड इन स्पेस, कि स्पेस के अंदर मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो चीजें हैं हम उनको देख सकते हैं, उनको डिस्प्ले, उनका डिस्प्ले ले सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं उनको देखकर। तो बिकॉज लेजर जो है ये एम्पलीफाइड लाइट होती है, एम्पलीफाइड मीन इंक्रीज्ड इंटेंसिटी वाली लाइट होती है, तो बताया कि इट इंटेंसिफाइज द लाइट, मीन लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया होता है इसके अंदर, इस वजह से हम दूर दराज तक स्पेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम इजीली फोकस कर सकते हैं। अब बताया कि टू रेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट की इंटेंसिटी को हम जब बढ़ाना होता है हमने तो कैसे बढ़ाते हैं, इट इज एम्पलीफाइड अगेन एंड अगेन,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने के लिए इसको बार बार एम्पलीफाई किया जाता है। जो बार बार एम्पलीफाई करना है ये वो मिरर्स का जो यूज मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर्स यूज होते हैं, दो मिरर्स जिससे कि रेज रिफ्लेक्ट होकर बार बार जो है वो जो क्रिस्टल होता है लेजर प्रोडक्शन में यूज होने वाला उसके एटम्स को वो स्ट्राइक करती रहती हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्टिवेट होते रहते हैं। इसलिए कहा कि अगेन एंड अगेन इट इज एम्पलीफाइड। और आगे बता रहे हैं कि फॉर दिस पर्पस टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड। देखिए बेटे यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने कि दो प्लेन मिरर इसमें यूज होते हैं। अब जो मटेरियल इसमें यूज होता है तो यूजली बेटे इसमें क्रिस्टल्स फॉर एग्जाम्पल ये रूबी है, ग्लास है या सेमी कंडक्टर जो है ये यूज होते हैं लेजर प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा कुछ गैसेस भी यूज होती हैं इस पर्पस के लिए, कुछ गैसेस भी यूज होती, कुछ गैसेस जो हैं वो भी इस पर्पस के लिए जो है वो यूज होती हैं लेजर प्रोडक्शन के लिए। ये बेटे अपरेटस है जो लेजर के प्रोडक्शन में यूज होता है, इसका मैंने आपको बता दिया। ये फ्लैश कॉयल है जो बाहर इसकी होती है और उसके अंदर जो है वो क्रिस्टल है, वो रूबी का क्रिस्टल वगैरह जो है, ये ग्लास वगैरह जो भी मटेरियल हो लेजर प्रोडक्शन के लिए जो यूज करना है हमने, तो बीम ऑफ लेजर जो है वो इधर से निकलेगी, इसको हम यूज करेंगे। एप्लीकेशंस लेजर की क्या है? नॉवेडेज बताया कि यूज ऑफ लेजर जो है ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। चंद एक एप्लीकेशंस आपको दी गई हैं यहाँ पे। पहले है सर्जरी में यूज लेजर, ऑपरेशंस वगैरह करने में। पता है कि लेजर्स अप्लाई होते हैं एज लाइट स्कल्पल। स्कल्पल क्या होती है? स्कल्पल वैसे कहते हैं नाइफ को, छुरी को। लाइट स्कल्पल कि लाइट बीम, ये चूंकि लाइट बीम है लेकिन काम वो लेजर वो उसका जो नाइफ वाला काम करेगी, इसलिए इसको लाइट स्कल्पल कहा। तो सर्जिकल कटिंग और कोगुलेशन टूल है ये। सर्जिकल यानी ऑपरेशन में कटिंग के लिए, कोगुलेशन क्या होता है खून के जमने को कहते हैं, यानी हीलिंग ऑफ वूंड जो है जख्म को बंद करना उसको कहा कोगुलेशन। यानी सर्जिकल प्रोसेस जो है वो करना और उसके बाद हीलिंग जो वूंड की वो भी करना, तो इसके लिए लेजर का यूज होता है। कि जब लेजर बीम को हम फोकस करते हैं ना टिश्यू के ऊपर तो ये उसको कट कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही हॉट होती है ये बीम, इसलिए उसको कट कर देगा हीट की वजह से। और हम इसको चूंकि केयरफुली फोकस कर सकते हैं उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, तो सिर्फ उसी एरिया को ही कट करेगा जिसके ऊपर इसको हमने फोकस किया होता है, और जो सराउंडिंग पोर्शन होता है उसको बेटे ये डैमेज नहीं करता। सराउंडिंग पोर्शन जो होगा दैट विल नॉट बी हार्म्ड, सिर्फ वही स्मॉल एरिया जिसको हम फोकस करेंगे, जितने ऐसे को हमने कट करना होगा हम उसी को फोकस करेंगे और ये उसी को ही काटेगा। लेजर्स के जरिए ब्लड जो है वो कोगुलेट्स इन कैपिलरीज, सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ब्लीडिंग। लेजर सर्जरी के जरिए क्या किया जाता है कि ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर उसको वो कोगुलेट कर दिया जाता है ब्लड को, जैसे कि ब्लीडिंग नहीं होती। लेजर सर्जरी बताया कि इट्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन लिवर ऑपरेशन, जिगर के ऑपरेशन में भी लेजर सर्जरी जो है ये बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके बाद है ये तो आपको सारा सर्जरी का बताया गया, डिफरेंट टेक्निक्स जो यूज होती हैं डिफरेंट टाइप्स के सर्जरी में। नेक्स्ट आपको ऑप्थाल्मोलॉजी का बताया गया। ऑप्थाल्मोलॉजी में जो है आई डिजीजेस की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होती है, आंख की जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस, उनकी स्टडी, उनके ट्रीटमेंट, ये है ऑप्थाल्मोलॉजी। तो इसके लिए आर्गन लेजर यूज होते हैं, आर्गन गैस है, आपको बताया गया था ना कि गैसेस भी यूज होती हैं लेजर प्रोडक्शन में, तो आर्गन लेजर्स यूज होते हैं फॉर ऑपरेटिंग कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा। कैटरेक्ट क्या होता है, जैसे उर्दू में मोतिया कहते हैं, जो आई का लेंस होता है तो ओपेक हो जाता है, लेंस ओपेक हो जाता है, लाइट रेज उसमें से पास नहीं हो सकती,
और वीएन इफेक्ट होती है, उसके ऑपरेशन में यूज होते हैं, आर्गेन लेजर पे यूज होता है। उसके बाद है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा भी आई के अंदर प्रेशर का इंक्रीज होना है, और इस प्रेशर के बढ़ने से, आई के इंटरनल प्रेशर के इंक्रीज होने से भी वीएन जो है वो अफेक्ट होती है, नजर खराब हो जाती है, इवन इससे ऑप्टिक नर्व जो है वो खराब होती है। तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में और कैटरेक्ट जो है इनकी ऑपरेटिंग में इसका आर्गन लेजर्स का हम यूज करते हैं। उसके बाद है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी जो है ये स्किन ट्रीटमेंट होती है, इसमें लेजर रेडिएशन को हम यूज करते हैं स्किन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, और जो स्टेन्स वगैरह होते हैं, कुछ दाग हों स्किन के ऊपर, कुछ पिगमेंट्स निशानात होते हैं स्किन के ऊपर, तो उनको रिमूव करने के लिए। तो डर्मेटोलॉजी बेटे क्या हुआ, स्किन डिजीजेस जो है, स्किन के ऊपर स्टेन्स हैं, पिगमेंट्स वगैरह, कुछ दाग निशानात हैं, तो उनको खत्म करने के लिए हम लेजर रेडिएशन का यूज करते हैं। उसके बाद है डेंटिस्ट्री। लेजर का बताया कि प्रेजेंट्स प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन इन क्लिनिकल डेंटिस्ट्री। प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन, लेजर को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इट इज इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी यूजफुल इन फ्यूचर, इवन प्रेजेंट इट इज इन यूज। तो प्रॉमिसिंग इसको कहा जाता है कि जो इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड हो के बेनिफिशियल होगा, यूजफुल होगी कोई चीज। तो केस में क्लिनिकल डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री क्या होता है, टीथ जो है ट्रीटमेंट, दांतों की ट्रीटमेंट, जिसमें के क्या किया जाता है, फोटो कागुलेशन, स्पेशल पेंटेड मटेरियल जो है दैट इज फोकस्ड इनटू टीथ केविटीज। फोटो कागुलेशन के जरिए क्या किया जाता है, दांतों की जो केविटीज होती हैं इनमें स्पेशल जो पेंटेड मटेरियल होता है उसको फ्यूज कर किया जाता है। नेक्स्ट लेजर सर्जरी का अदर डिजीजेस में यूज, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। नंबर वन जो उसका यूज बताया, कैंसर के ट्रीटमेंट में लेजर का यूज है। दूसरा इसका बताया टू क्रश गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स कहते हैं गॉल ब्लेडर के, जो लिवर के अंदर गॉल ब्लेडर होता है, अगर उसके अंदर स्टोन्स हो तो उनको क्रश कर दिया जाता है, बारीक करके जरात में चेंज कर दिया जाता है। इवन किडनी स्टोन्स हैं उनको भी जो है वो बारीक कर दिया जाता है, पीसेस में चेंज कर दिया जाता है, और बगैर सर्जरी के ये प्रोसेस होता है। इसके बाद वो जो बारीक जरात होते हैं वो यूरिन के रास्ते खारिज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बेटे कहते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी लेज़र। नेक्स्ट बताया थर्ड यूज इसका, टू मेंट रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, इंसानी आंख का जो रेटिना है उसकी ट्रीटमेंट। नंबर फोर, लेजर का यूज है टू रीशेप कॉर्निया टू इम्प्रूव पुअर वीजन। कॉर्निया बेटे कहते हैं आई के जो फ्रंट पे ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, आंख के सामने वाली ट्रांसपेरेंट लेयर, इसको कॉर्निया कहते हैं। तो इसके डिसऑर्डर की वजह से जो वीएन डिस्टर्ब होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी शेप को करेक्ट करने के लिए लेजर का यूज होता है। नेक्स्ट बताया कि नंबर फिफ्थ में कि लेजर के जरिए हम होल्स ड्रिल कर सकते हैं, हार्ड डस्ट मटेरियल के अंदर हम होल्स को ड्रिल कर सकते हैं, स्टील है, डायमंड है, आल्सो इन ग्लास और मेटल्स, ये शीशे में, मेटल्स में इवन, और बड़े प्रिसाइज पैटर्न में बेहतरीन तरीके से जो है सुराख कर सकते हैं, वेरी केयरफुली कटिंग करके जो है, क्योंकि तो लेजर बीम जो है इसको, तो पहले जैसा बताया कि जहां पे हम फोकस करेंगे ये वहां ही इफेक्ट करेगी जो भी करेगी, तो बड़ा प्रिसाइसली जो है हम एक्यूरेसी के साथ ड्रिलिंग कर सकते हैं, होल्स ड्रिल कर सकते हैं ऐसे हॉट मटेरियल में अंदर। सिक्स पॉइंट, लेजर का यूज है टू प्रोड्यूस थ्री डायमेंशनल इमेजेस। थ्री डायमेंशनल, थ्री डी इमेजेस जिन्हें कहते हैं, वो प्रोड्यूस करने के लिए हम लेजर को यूज कर सकते हैं, और ये जो थ्री डी इमेजेस हैं इनको कहते हैं होलोग्राम्स।
और प्रोसेस कहलाता है होलोग्राफी। यानी हम होलोग्राम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो प्रोसेस क्या है, होलोग्राफी। सेवंथ पॉइंट, मिलिट्री पर्पसेस के लिए। मिलिट्री पर्पसेस बताया कि उनमें लेजर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, बस लेजर गाइडेड मिसाइल्स और बम्स हम यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट, टैंक्स वगैरह, दे कैन बी हिट एक्यूरेटली। लेजर गाइडेड मिसाइल्स के जरिए जो है और बम्स के जरिए हम एयरक्राफ्ट को और टैंक्स को बड़ी एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकते हैं, जो डिस्टेंट प्लेस पे, दूर दराज हो, बहुत दूर हो, काफी फासले पे हो, हम लेजर के जरिए उनको एक्यूरेटली लोकेट कर सकते हैं कि वो हमारा मिसाइल जो है अब यहाँ पे उनको कैसे सीधा जा सकता है, तो मिसाइल्स को गाइड कर सकते हैं, बम जो हमने थ्रो करना है तो उसको गाइड कर सकते हैं कि वो एयरक्राफ्ट जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट या टैंक को हिट करेगा। एट्थ पॉइंट, लेजर का यूज बताया और ऑप्टिकल फाइबर्स का जो है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी जो कि इसका यूज होता है लेजर बीम का सिग्नल्स को कैरी करने के लिए, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में इनकलाब पैदा हुआ है। इट हैज एवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। लेजर के यूज ने कम्युनिकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज किया है, यानी बहुत चेंजेस लाया है इसमें। नाइन्थ पॉइंट, सुपरमार्केट्स में रिकॉर्ड ऑफ प्राइसेस ऑफ आइटम जो है स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हम प्राइसेस का जो रिकॉर्ड होता है उसको स्टोर कर सकते हैं। अब कोई भी चीज आपने सेल करनी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, लेजर के साथ स्कैन करते हैं। आफ्टर स्कैनिंग क्या होता है, उसकी चीज की पूरी जो डिटेल होती है वो स्क्रीन पे हमारे सामने आ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज लेजर का हुआ, चीजों की जो डिटेल्स है उसको वाज़ह करने के लिए, शो करने के लिए। नेक्स्ट बेटे है ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर ऑप्टिक्स जो है, इसमें आपको ऑप्टिकल फाइबर का बताया जाएगा कि उसको हम कैसे यूज करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर का यूज कैसे होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स बताया गया कि क्या है। तो बेटे याद रखें, इसका प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के बेस पे ही ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। इसके अंदर जो लाइट ट्रेवल करती है वो ऑप्टिकल, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए ही ट्रेवल करती है। तो ये उन्होंने बताया कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में दाखिल होती है तो ये नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है। यहाँ पे देखें, ये जो मीडियम शो किया गया है, ये शेडेड रीजन, ये डेंसर मीडियम है और इसके बाहर वाला जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है, यानी जिसकी डेंसिटी कम है। अंदर वाले की ज्यादा डेंसिटी है, बाहर वाले की कम है। अब ये लाइट सोर्स, ये वो जो है वो लाइट सोर्स है, यहाँ से जो रेस बिल्कुल सीधी जाएगी वो नहीं मुड़ती, वो सीधी गुजर जाएगी। ये इंटरफेस है, इंटरफेस ये दोनों जो मीडियम है, मीडिया है, उनको आपस में मिलाने वाली बाउंड्री है, दोनों की बाउंड्री है, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम जो है उनकी ये बाउंड्री है। तो उस बाउंड्री को वो सीधी क्रॉस कर जाएगी, लेकिन अगर हम सीधी नहीं बल्कि थोड़ा सा तिरछी गुजारते हैं नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल, ये डॉटेड लाइंस के साथ याद रखें, ये सारे नॉर्मल, नॉर्मल्स में 90 का एंगल बनाने वाली लाइंस, तो डॉटेड लाइंस के साथ ए बी के ऊपर नॉर्मल्स की पोजीशन शो की गई है। और अगर ये इंसिडेंट बीम हमारी जो है, ये ओ से निकलने वाली जो लाइट रे है, ये आई के साथ शो के इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट रे कहलाती है और जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो इंसिडेंट एंगल है। तो ये कुछ एंगल पे जब पड़ रही है तो इस बाउंड्री से बाहर निकलने के बाद जब अगले मीडियम में दाखिल हुई है, तो आपने देखा कि इसका सीधा रास्ता तो ये था, इधर जाती, वो इधर जाने के बजाय नॉर्मल से अवे बेंड कर गई है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऊपर हेड एंगल को शो करने के लिए एंगल साइन है, तो आर हेड ही नहीं, रिफ्रैक्टेड एंगल है ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। उसके बाद बेटे नेक्स्ट देखें कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने पहले से बढ़ाया है, ये पहला इंसिडेंट एंगल छोटा था। अच्छा, यहाँ भी याद रखो, यहाँ पे कितना इंसिडेंट एंगल है, जीरो, यहाँ इंसिडेंट एंगल जीरो है क्योंकि नॉर्मल के बिल्कुल वो साथ जा रही है।
नेक्स्ट देखें कि इंसिडेंट एंगल को हमने बढ़ाया है जब पहले से ही, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ गया है, रिफ्रैक्टेड एंगल पहले से बढ़ गया, फिर इंसिडेंट को हमने और बढ़ाया तो रिफ्रैक्टेड एंगल देखें क्या हो गया, 90 का हो गया है। तो इस वक्त जो इंसिडेंट एंगल उसको इक्वल टू सी रखा, सी क्रिटिकल एंगल होता है, लेकिन जब हमने इंसिडेंट को इस क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ाया है तो हम देखा कि लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो गई है, अगले मीडियम में नहीं गई, तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेस पे ही जो है ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है, इसके अंदर जो लाइट ट्रेवल करती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से ट्रेवल करती है। अब आगे फाइबर के अंदर देखें अगर, तो ये देखें इसमें ये लाइट रे जो एंटर हुई है, अब यहां पड़ी है, इसमें आप याद रखें कि बाहर एक मीडियम है और एक अंदर है, इसके सेंटर में जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर ही शो किया हुआ है, तो फाइन स्ट्रैंड्स ये ग्लास की होती हैं, स्ट्रैंड्स के फाइबर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसमें अंदर जो कोर है इसका जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ये प्योर ग्लास का है, और इसके बाहर ये डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लास है, बाहर जिसको क्लैडिंग कहा, इंटरनल कोर जो है ये प्योर ग्लास का होता है, उसके बाहर ये जो ये कवरिंग है बाउंड्री इसकी जो है, इसके बाहर की पूरी कवरिंग ये क्लैडिंग कहलाती है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लास जो उसका होगी, यानी मुख्तलिफ किस्म का शीशा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता है अंदर वाले कोर से, यानी कि वो रेयर मीडियम के तौर पे काम करेगा, ये रेयरर मीडियम के तौर पे काम करेगा और जो इंटरनल कोर है वो डेंसर मीडियम के तौर पे काम करेगा। तो ये बेटे देखें ये लाइट रे यहाँ पे जो पड़ी है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सारी अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ पड़ी जहां से टोटली रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, इधर से टोटली रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है, फिर यहाँ से वो बाहर निकली है, तो फाइबर की जितनी भी लेंथ होगी पूरी के अंदर ये इसी तरह टोटली रिफ्लेक्ट होती जाएगी और दूसरे सिरे पे निकल जाती है। तो ये प्रोसेस है जिसके जरिए लाइट रे ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करती है, और आपको मालूम है कि टेली कम्युनिकेशन के अंदर हम सिग्नल्स को जो ट्रांसमिट करते हैं फाइबर्स के अंदर से कैरियर वेव्स लेकर जाती हैं, तो लाइट वेव्स ही होती हैं लेजर के जरिए जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं, तो ये उन रेज को उन सिग्नल्स को कैरी करती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर। तो बताया कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये मेटल केबल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी उनकी जगह इनको प्रेफर किया जा रहा है, किस लिए, टेलीफोन कॉल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि ये बेटर वे में ट्रांसमिशन करती हैं, कॉलर वॉयस जो है वो चेंज नहीं होती, कॉलर वॉयस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, और इसमें हम क्या करते हैं कि कॉलर की वॉयस को लाइट सिग्नल्स में पहले कन्वर्ट करते हैं और लाइट सिग्नल जो है फाइबर के जरिए ट्रेवल करते हैं, आगे जब दूसरे एंड पे पहुंचते हैं तो उनको दोबारा वॉयस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे यूजेस का बताया ऑप्टिकल फाइबर का, कि डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं टू सी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर का मुआयना करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये बहुत ही बारीक होते हैं, वेरी थिन होते हैं, लिहाजा हम इनको इजीली जो है बॉडी के अंदर पास कर सकते हैं, कोई भी जो अंदर के किसी भी हिस्से की पिक्चर लेना चाहें तो इजीली हम ले सकते हैं उनके जरिए, क्योंकि लाइट को हम थ्रो कर सकते हैं अंदर, तो बंडल यूज होते हैं, एक बंडल के जरिए लाइट जाती है दूसरे के लिए फ्लैट होकर वापस आती है, और ऊपर कैमरा लगा होता है जिसमें हमें पिक्चर नजर जो है वो नजर आती है। आई सर्जरी के अंदर जो है लाइट को हम यूज करते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक जो है ये ऑप्टिकल फाइबर लाइट गाइड जो है उसके जरिए हम आई सर्जरी को करते हैं। बताया कि जो आई सर्जरी हम करते हैं तो उसके लिए जो लाइट यूज होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, इसी ऑप्टिकल लाइट गाइड से, ऑप्टिकल फाइबर लाइट गाइड जो है उसके जरिए। ऑप्टिकल फाइबर का बताया कि ये थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स को ट्रांसमिट कर सकता है एट अ टाइम, टीवी प्रोग्राम्स जो है उनको ट्रांसमिट किया जा सकता है, एक या दो फ्लेक्सिबल और थिन हेयर लाइक ऑप्टिकल फाइबर जो है इनके जरिए हम हजारों टेलीफोन कॉलें टीवी प्रोग्राम वगैरह जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। यही वजह है कि जो हैवी मेटेलिक केबल्स हैं तो वो रिप्लेस की जा रही हैं ऑप्टिकल फाइबर के साथ। उसके बाद सैटेलाइट्स और राडार्स का बताया गया, टीवी का बताया कि डिस्प्ले करता है जो स्लाइड्स किसके लिए अबाउट एड्रेस होता है किसी भी सेलिब्रिटी के होती कोई मशहूर शख्सियत किसी के बारे में बातचीत हो रही हो
या अबाउट डिफरेंट मैचेस, मुख्तलिफ किस्म के मैचेस हैं क्रिकेट हॉकी वगैरह, तो इन मैचेस के बारे में आप देखते हैं टीवी के ऊपर। वर्ल्ड ओलंपिक्स हैं, ओलंपिक्स गेमें जो हैं इनकी बात हो, या तरावी होती है रमजान मुबारक की, सेक्रेड ओकेजन्स हज के हो गए, तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं जो टीवी के ऊपर हम देखते हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम, तो ये सारे के सारे कैसे रिले होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के जरिए होते हैं। जो सैटेलाइट्स हैं ये उनके जरिए पहुंचाए जाते हैं रिलेड में, एक जगह प्रोग्राम हो रहा है उसको दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो बताया कि कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो कि टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन है उसको और टीवी के प्रोग्राम्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड रिले करते हैं, रिले में ट्रांसमिट करते हैं, नशर करते हैं प्रोग्राम्स को। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, उन ऑर्बिट्स को कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और सैटेलाइट्स कहलाते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। पीछे पढ़ चुके हैं आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इलेक्ट्रिकल पावर जो सैटेलाइट्स को रिक्वायर्ड होती है, तो ये बड़े याद रखें ये सोलर सेल्स के पैनल्स होते हैं जिनके जरिए इनको पावर सप्लाई की जाती है, और ये जो पैनल्स होते हैं ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा स्पेस क्राफ्ट जो कि ट्रेवल करते हुए को सूरज से बहुत दूर चला जाता है, जैसे सूरज से दूर जाना होता है, तो उसके साथ जो है उसके अंदर ही छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट करते हैं जो स्पेस क्राफ्ट में यूज होती है। अदरवाइज अगर सूरज के करीब है तो वहां पे सोलर पैनल जो है वो यूज होते हैं। राडार का बताया कि वर्ड जो राडार है ये ड्राइव किया गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग से, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, क्योंकि इसमें रेडियो वेव्स यूज होती हैं और माइक्रोवेव्स। राडार बताया कि रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, और ये किस फॉर्म में होती हैं? रेडियो वेव्स की फॉर्म में या माइक्रोवेव्स की फॉर्म में होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बताया कि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, इनकी स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो लाइट की यूज होता है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती हैं, जो माइक्रोवेव्स है हम यूज करते हैं उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। राडार रिमोट डिटेक्शन सिस्टम देखें, ये यूज होता है टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, मतलब एरोप्लेन जा रहा है या शिप जा रहा है तो कहीं भी आगे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई हॉर्ड ऑब्जेक्ट है, कोई रुकावट है, कोई ऑब्स्टेकल है, तो उसका पता चलाया जा सकता है। ये प्रोसेस देख लें कि ये ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर जो है इससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होंगी, और ट्रांसमीटर से ये ट्रांसमिट हो रही है, ये एंटेना है जिसके जरिए वो सेपरेट हो रही है, और अगर एरोप्लेन जहां भी वो कोई भी आगे चीज है उससे रिफ्लेक्ट होकर फिर वो वापस आती हैं, उसके बाद फिर यही एंटेना है जो उनको रिसीव कर रहा है, और ये रिसीवर आगे डिस्प्ले देता है, तो इस तरह से ग्राउंड बेस स्टेशन पे हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्लेन को। ये देखें राडार का बताया कि ट्रांसमिट करेगा शॉर्ट पल्सेस, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स की जो है उसने प्रोड्यूस करनी है, कैसे? रिवॉल्विंग एरियल्स के जरिए, और ये पल्सेस जब ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती हैं तो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद राडार का एंटेना जो है इनको रिसीव करता है, तो ट्रेस या शेप जो है उस ऑब्जेक्ट की ये हमें स्क्रीन पे नजर आती है उन रिफ्लेक्ट होकर आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं रेडियो वेव्स वगैरह माइक्रो वेव्स, उनसे हमें उस चीज की शक्ल नजर आ जाती है। राडार का बताया कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज का हमें पता चल सकता है, उसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे है, स्पीड क्या है उसकी, उसकी डायरेक्शन क्या है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट बताया कि राडार कंट्रोल्स एयर ट्रैफिक हवाई जहाज वगैरह सिविलियन हो या मिलिट्री की हो उसको कंट्रोल करता है, तो लार्ज नेटवर्क जो ग्राउंड बेस्ड राडार सिस्टम का है ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को हेल्प करता है कि वो ट्रैक पे रहे, जो एयरक्राफ्ट का ट्रैक है उसको मेंटेन रखें, और मिड एयर कोलिजन्स जो है उनसे अवॉइड करने के लिए कि हवाई जहाज जो है।
कमर्शियल और मिलिट्री शिप्स जो हैं ये भी रडार का यूज करते हैं शिप्स को ऑब्स्टेकल से अलर्ट करने के लिए, स्पेशली बैड वेदर में, डिम लाइट में, ताकि शिप्स जो हैं वो टकराएं ना किसी ऑब्स्टेकल के साथ। मिलिट्री फोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड ये रडार की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को, ट्रूप्स को, ट्रूप्स की मूवमेंट को, फौजी दस्ते जो हैं वो कहाँ मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, शिप्स एट सी के जो शिप्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। साइंटिफिक एज में बताया कि जो राडार है इसका यूज होता है टू फोरकास्ट वेदर, वेदर फोरकास्ट में रेन स्टॉर्म वगैरह इस सिलसिले में, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो मॉइस्चर है, नमी होती है, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी मूवमेंट्स को देखा जा सकता है, उनके स्पीड को, उनकी डायरेक्शन और मोशन को, उनकी प्रेजेंस को लोकेट किया जा सकता है, तो वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं। कुछ स्पेस क्राफ्ट जो हैं वो रडार को कैरी करते हैं किस पर्पज के लिए, फॉर मैपिंग द सरफेस ऑफ प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स जो हैं उनकी सरफेस को मैप करने के लिए, उनका मैप हासिल करने के लिए, विच आर कवर्ड बाय थिक क्लाउड्स। तो ये डिफरेंट यूजेस थे जो कि रडार के आपको बताए गए। उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हैं, वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हैं, तो उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस को अमिट करते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और जो फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन है इन एलिमेंट्स का, इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यानी इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का रेडिएशन को अमिट करने का जो प्रोसेस है ये रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो रेडिएशन बेटे तीन किस्म की होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गैमा रेडिएशन, ये तीन किस्म की रेडिएशन हैं, उनको ये अल्फा बीटा गैमा नेम दिए जाते हैं। इनके हम फीचर्स को देखेंगे आज। ये पहले ही बताया गया कि 1896 में हेनरी बीक्वर्ल बाई चांस ही उसने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था, क्योंकि उसने देखा कि जो यूरेनियम के सॉल्ट्स हैं, यूरेनियम के कंपाउंड्स हैं, उनसे फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो फोगी हो जाती है, यानी धुंधली सी हो जाती है। फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो तो लाइट की वजह से फोगी होती है, यानी लाइट को का इमेज उसने बनाना होता है। तो यूरेनियम के कंपाउंड्स जो थे, यूरेनियम के सॉल्ट्स, वो अगर फोटोग्राफिक प्लेट के पास पड़े थे, उसके साथ पड़े थे, तो वो प्लेट फोटो फोगी कैसी होगी। इससे जो है रेडिएशंस की डिस्कवरी हुई। उन्होंने ये कहा कि जो ये यूरेनियम वगैरह के सॉर्ट्स हैं, इनसे कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट जो वो फोगी हुई है। इवन कि उन्होंने यूरेनियम के जो कंपाउंड्स थे उनको ब्लैक शीट से कवर भी किया, इसके बावजूद जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा, यानी फिर भी वो फोगी हो गई, धुंधली सी हो गई। तो इससे उनकी प्रॉपर्टीज का पता चला कि रेज जो हैं वो शीट में से भी गुजर जाती हैं जैसे हमने उनको मटेरियल को कवर किया था। ये तो जस्ट आपको डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि बाय चांस इसकी डिस्कवरी हुई थी, कि उसने जो मटेरियल था ना इसका, यूरेनियम का, जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो फोटोग्राफिक प्लेट्स जो है वो उसके पास थी। अब लाइट उस वक्त जो है वो सूरज की डिम होगी बादल वगैरह की सूरत में, तो उसने ये मटेरियल जो है वो रख दिया था दराज के अंदर, साथ ही प्लेटें भी रखी थी। तो जब से बाहर निकाली तो उसके ऊपर लाइट के इम्प्रेशन देखे, तो वहां से उसने फिर जो ये डिस्कवरी की रेडिएशंस की। अल्फा रेडिएशंस पहली किस्म के जो रेडिएशंस हैं, इसमें बड़े फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। असल में जो अल्फा रेडिएशंस हैं ये हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। अब हीलियम का जो एटम है उसके अंदर दो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, दो न्यूट्रॉन होते हैं, दो ही बार इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हीलियम न्यूक्लियस रह जाएगा। अब उसका मास रहेगा 4 और चार्ज उसके ऊपर आएगा +2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं,
इसलिए प्लस टू चार्ज होगा उसके ऊपर, मैस फोर होगा। तो ये हीलियम के जो न्यूक्लियाई हैं यही अल्फा रेडिएशन है, पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, और बीटा और गैमा रेस के मुकाबले में जो इनकी रेंज होती है या पेनिट्रेशन पावर जो है वो कम होती है। पेनिट्रेट करना होता है किसी चीज में से गुजर जाना, ठीक है, टू पास थ्रू एंड थ्रू एनी ऑब्जेक्ट, ये होता है पेनिट्रेट करना। तो अल्फा रेडिएशन की जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम होती है, रेंज क्या होता है कि कितना दूर जा सकती हैं। तो ये थोड़ा डिस्टेंस एक तो कवर करती हैं अल्फा, दूसरा बीटा और गैमा रेज की निस्बत, और दूसरा पेनिट्रेशन पावर भी इनकी कम है। अलबत्ता इनकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे आपके यहाँ डिस्कस नहीं है। आयनाइजेशन में आयंस प्रोडक्शन, आयंस फॉर्मेशन जो है ये पावर इनमें बहुत ज्यादा होती है। आगे है बीटा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन जो है बीटा पार्टिकल्स, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मास नंबर इनका जीरो होता है और चार्ज नंबर वन होता है, ठीक है, मास नंबर जीरो, चार्ज इनका वन। पेनिट्रेटिंग पावर इनकी जो है वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होती है। उसके बाद गामा रेडिएशन हैं, ये हाई एनर्जी कैरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, यानी बहुत ही एनर्जेटिक होती हैं, और ये आइडेंटिकल विद एक्सरेज हैं, यानी एक्सरेज जैसी होती हैं, लेकिन गामा रेस की जो वेवलेंथ होती है ना वो उनसे एक्सरेज से भी कम होती है, तो एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा होती है। जिस कदर वेवलेंथ कम होती जाएगी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है और एनर्जी ज्यादा होती जाती है, लिहाजा गामा रेस बहुत ही एनर्जेटिक होती हैं। इनकी जो रेंज है यानी डिस्टेंस कवर करना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं, और पेनिट्रेटिंग पावर भी इनकी बहुत ज्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या, किसी भी चीज में से पास होना, मैंने बताया कि ये पावर भी इनकी बहुत ज्यादा होती है और रेंज भी बहुत ज्यादा है। अगर कि गामा रेज आर रिजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये निकलती हैं रेडिएशंस, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट भी नहीं होती, ये इनकी फीचर है। इनका मैं आपको बता देता हूँ कि जो बीटा रेडिएशंस हैं ये नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे जाती हैं, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो अल्फा रेडिएशंस हैं अगर आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगी। अल्फा रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, जबकि बीटा रेडिएशन इनके उल्ट जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और गामा रेडिएशन अफेक्ट नहीं होती, ये बिल्कुल सीधी गुजर जाती हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इट वॉज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर, टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट।